Hello everyone, I am Dr. Ikeda Lal. I am a cornea, cataract and refractive surgery specialist at Delhi Eye Center and Sir Gangaram Hospital, New Delhi. And today we will talk about LASIK surgery. A lot of people have apprehension and want to know whether LASIK is safe or not. तो हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि क्या लेसिक आपके लिए सेफ है? इज लेसिक सर्जरी सेफ फॉर यू? सो व्हाट वी डू इज व्हेनेवर अ पेशेंट कम्स टू अस फॉर लेसिक, देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट वी हैव टू असेस बिफोर लेसिक सर्जरी. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज एज. सो एज फॉर लेसिक मस्ट एटलीस्ट बी 18 ईयर्स एंड अबव, एंड बिटवीन 18 टू 21 इज व्हेन योर ग्लास प्रिस्क्रिप्शन बिकम्स स्टेबल. So the second criteria is that your glass prescription must be stable. If you're 18 years old, लेकिन अगर आपका चश्मे का नंबर अभी recently बदला है, तो हम आपको advise करेंगे कि आप अभी थोड़ा और wait करें, एक साल के लिए wait करें. जब चश्मे का नंबर stable हो जाएगा, तब ही हम आपका LASIK plan करेंगे. तीसरी चीज मैं clear करना चाहती हूँ कि चश्मे का नंबर stable होने का मतलब है कि आपका नंबर 0.5 diopter से ज़्यादा change नहीं होना चाहिए in a year. 0.25 ऊपर नीचे अगर होता है वो बिल्कुल नॉर्मल है. वो अगर आप दो अलग लोगों से चश्मे का नंबर लेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि कोई भी दो लोग आपको सेम नंबर नहीं देंगे. तो थोड़ा फ्लक्चुएशन इज विद इन नॉर्मल लिमिट्स. लेकिन हाँ, अगर 0.5 से भी ज़्यादा चेंज होता है, मान लीजिए आपका नंबर 1 से चेंज हुआ है, देन वी नीड टू असेस कि आपका नंबर स्टेबल है या नहीं. थर्ड थिंग इज कि हम आपकी कॉर्निया की शेप और थिकनेस असेस करते हैं, क्योंकि लेसिक सर्जरी हम आंख के आगे वाली पुतली जो कॉर्निया है लेजर से उसको चेंज करते हैं. ये है लेसिक सर्जरी. तो जिस स्ट्रक्चर को हम लेजर से मॉडिफाई कर रहे हैं, पहले हमें ये असेस करना है कि क्या आपका वो स्ट्रक्चर शेप और थिकनेस में ठीक है कि नहीं. इसके लिए हम एक कॉर्नियल टोपोग्राफी टेस्ट करते हैं. मोस्ट कॉमनली डन टेस्ट इज पेंटागैम. हम ये सारी चीज़ें असेस करते हैं आपके नंबर के हिसाब से, क्या ये रिपोर्ट नॉर्मल है, और अगर ये रिपोर्ट नॉर्मल निकलती है तभी हम आपकी सर्जरी करते हैं. सर्जरी के पहले हम आँख में दवाई डाल के पीछे का पर्दा अच्छे से चेक करते हैं. इससे हमें ये पता चलता है कि क्या आपकी आँख अंदर से हेल्दी है या नहीं. कोई स्पेशल प्रिकॉशंस तो नहीं लेनी है. पहले पीछे का पर्दा अगर वीक है, अगर आपका नंबर बहुत हाई है, तो हो सकता है कुछ केसेस में हम आपको बराज लेजर या पीछे के पर्दे का लेजर भी एडवाइस करें बिफोर योर लेसिक सर्जरी. इसलिए ये टेस्ट करके देखना भी जरूरी है. अगर ये सारे टेस्ट आपके नॉर्मल निकलते हैं, आपको आंख में ड्राइनेस नहीं है, अदरवाइज यू हैव नॉर्मल आईज, आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है बॉडी में, आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं है, डायबिटीज नहीं है, ये सब प्रॉब्लम्स नहीं है, देन यू आर अ गुड कैंडिडेट फॉर लेसिक सर्जरी. तो बिल्कुल भी नहीं घबराएं. आप क्या ऑप्थल्मोलॉजिस्ट जिसके पास भी आप जाएंगे, वो ये सारे टेस्ट अच्छे से टेस्ट करके ही आपकी सर्जरी प्लान करेंगे. दिस विल हेल्प गिव यू द कॉन्फिडेंस दैट यस, लेसिक इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू. एंड बोथ द आईज इन लेसिक सर्जरी आर डन इन द सेम सिटिंग. इसमें कोई इंजेक्शन पट्टी टाका नहीं लगाते हैं आँख के अंदर, सुन करने के लिए सिर्फ दवाई डालते हैं. इट्स एन एब्सोल्यूटली पेनलेस प्रोसीजर, बिल्कुल पेन नहीं होता है. टेक्स अस अबाउट 10-15 मिनट्स एंड वी डू बोथ द आईज. सो मेक श्योर दैट यू गेट योर सेल्फ प्रॉपरली टेस्टेड एंड इंक्वायर वेदर यू आर अ सूटेबल कैंडिडेट फॉर दिस प्रोसीजर. थैंक यू.